हेलो, कैसे हो साहब? दोस्तों, देखिए, इंडक्शन कुकटॉप है और इसमें जो है सप्लाई देने पर भी जो है सप्लाई वगैरह नहीं आ रहा है। तो इसमें देखिए ये फ्यूज़ जो है उड़ा हुआ था। तो ये आप ऐसा भी कह सकते हैं कि डेड कंडीशन में है। तो ये फ्यूज़ को मैंने जोड़ दिया है। जोड़ने के बाद देखिए, फ्यूज़ को जोड़ने के बाद अगर इंडक्शन में सप्लाई नहीं आ रहा है और आप खोल के देखने पर अगर फ्यूज़ टूटा हुआ है तो देखिए सीरीज का लेम कैसे ग्लो कर रहा है। तो फ्यूज़ को जोड़ने के बाद जो है आप जो है तुरंत ही जो है उसको डायरेक्ट सप्लाई में इसको कभी भी मत लगाइएगा। आपका एमसीपी वगैरह जो है ट्रिप हो जाएगा क्योंकि इसमें जो है शॉर्ट है, इसका वजह से जो है फ्यूज़ उड़ता है इसका। तो देखिए यहाँ पे फ्यूज़ को मैंने जोड़ दिया है। जोड़ करके जो है मेरा सीरीज कनेक्शन में लगा करके चेक किया तो सीरीज का बल्ब जो है ग्लो कर रहा है। और ये देखिए, ये आईजीबीटी को मैंने अभी मल्टीमीटर से चेक किया तो यहाँ पे देखिए मल्टीमीटर तीनों लेग में जो है मुझे बीप का साउंड मिल रहा है। तो ये होता क्या है कि फ्यूज़ क्यों उड़ता है? आपका आईजीबीटी जब शॉर्ट हो जाता है तो साथ में फ्यूज़ जो है उड़ जाता है, ताकि आपको जो पीसीबी है इसको जो है और ज़्यादा डैमेज होने से जो है फ्यूज़ जो है बचा लेता है। तो ये चीज़ को जो है हमेशा ध्यान में रखिए। अगर इंडक्शन अगर डेड है, सप्लाई देने पर सप्लाई नहीं आ रहा है, तो एक चीज़ आप कर सकते हो, कोड वगैरह चेक कर सकते हो, सप्लाई वगैरह चेक कर सकते हो। और बाकी अगर सप्लाई वगैरह सब कुछ ठीक है, कोड वगैरह भी सब कुछ ठीक है, और अंदर खोलने के बाद अगर आपको दिखता है कि यहाँ पे फ्यूज़ जो है उड़ा हुआ है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि फ्यूज़ को लगाने के बाद आप जो है इसको डायरेक्ट सप्लाई में कभी भी मत लगाइएगा। आप लगाते ही जो है आपका फ्यूज़ फिर से उड़ जाएगा और आपका घर में जो भी सप्लाई का जो एमसीपी वगैरह जो भी है वो जो है तुरंत ही ट्रिप हो जाएगा। तो देखिए आईजीबीटी मैंने निकाल दिया है, 15 एम्पियर का आईजीबीटी जो है यहाँ पर लगा हुआ है। तो ये देखिए आईजीबीटी भी जो है, अगर आप जो है सेम नंबर का अगर आईजीबीटी नहीं मिल रहा है तो आप कौन कौन सा आईजीबीटी आप लगा सकते हो। ये देखिए मेरे पास इतना आईजीबीटी है, तो इसमें देखिए 15 का भी है और 25 का भी है। तो अगर सेम नंबर का नहीं मिल रहा है तो कौन सा नंबर का आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो, तो इसका भी एक वीडियो जो है मेरे चैनल में पड़ा हुआ है, तो आप सर्च करके जो है देख सकते हो। तो ये देखिए, ये मैं यहाँ पे 25 नंबर का आईजीबीटी लगाऊंगा, 25 एम्पियर का, क्योंकि जो भी अगर 1200 वाट का इंडक्शन हो या 1500 वाट का हो या 1800 वाट का हो, जो भी हो, सभी में ये 25 नंबर का जो है आराम से लग जाता है और जो है अच्छा लास्टिंग भी करता है। और जो आईजीबीटी होता है वो जो कंपनी ओरिजिनल जो है अपना पीसीबी में लगा के जो देता है, वो ख़राब होने के बाद आप मार्केट से जब लेने जाएंगे तो आईजीबीटी आपको दो तीन क्वालिटी में मिलेगा, और एक कम दाम में मिलेगा, एक ज़्यादा कीमत वाला होगा। तो आईजीबीटी जो है कभी भी कम कीमत वाला लेकर के मत लगाइएगा। सेम नंबर का आप ले करके लगाएंगे फिर जो है लगाते ही जो है आपका आईजीबीटी उड़ जाएगा तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो बार बार इस तरह से आईजीबीटी बदलने पर जो है आपको जो है जो अच्छा वाला क्वालिटी का जो आईजीबीटी होता है उसका कीमत से भी ऊपर चला जाएगा। तो कभी भी आईजीबीटी लेना, आपको जाकर के शॉप में जो है जो जहाँ से भी आपको पार्ट्स वगैरह मिलता है उसको कहना है कि सबसे अच्छा वाला जो सबसे कीमत वाला जो आईजीबीटी होता है अच्छा वाला, उसको देने के लिए आप कहिएगा, तो वो जो है निकाल के दे देगा। नहीं तो वो जो है सबसे कम दाम वाला दे देगा और जो है आप लगाते ही जो है तुरंत ही उड़ जाएगा। और जो बाज़ारों में मिलता है 15 एम्पेयर का लिखा रहता है, लेकिन उसमें 15 एम्पेयर का जो है कोई कोई आईजीबीटी लोड नहीं ले पाता है और लगाते ही तुरंत ही जो है उड़ जाता है। तो देखिए मैंने इसमें आईजीबीटी लगा दिया है और सप्लाई लगा करके मैंने चेक किया तो यहाँ पे बीप का साउंड भी आने लगा है। तो इसमें और ये चीज़ हमेशा जो है आईजीबीटी में आप लगाना है, हमेशा अच्छी तरह से लगाना है। यहाँ पे देखिए जो हीटसिंक पेस होता है, तो मैं हीटसिंक को नहीं लगाया हूँ, पहले पेस को लगा देंगे उसके बाद। तो और देखिए अभी हीटसिंक को लगाएंगे हम लोग। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप अगर इंडक्शन कुकटॉप आपका अगर डेड है और सप्लाई देने पर भी सप्लाई नहीं आ रहा है, तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आप जो है काम कर सकते हो यहाँ पे। और ये बार बार मैं कह रहा हूँ, डायरेक्ट जो है अगर फ्यूज़ उड़ा हुआ है, कोई कोई होता है कि अपने आप जो है खोल कर कर देख लेता है, देख सकते हो, कोई बात नहीं है, खोल करके देख लेता है इंडक्शन को क्या हुआ है इसमें। तो
तो देखने के बाद अगर फ्यूज़ उड़ा होगा तो सोचेगा अरे यार यहाँ तो फ्यूज़ उड़ा हुआ है, तो फ्यूज़ को लगा देंगे, इंडक्शन चल जाएगा ये सोच कर कि वो फ्यूज़ को लगा देगा। और जो है डायरेक्ट उसको जो है आप लगा फ्यूज़ को लगाने के बाद सप्लाई उसको प्लग को जो है सप्लाई में डालते ही जो है आपका इंडक्शन जो है फिर से ठस करके फ्यूज़ जो है उड़ जाएगा। और खाली फ्यूज़ ही नहीं उड़ेगा, आपके एमसीपी वगैरह भी ट्रिप हो जाएगा, ये चीज़ का हमेशा ध्यान में रखना है। और मल्टीमीटर वगैरह है तो आईजीबीटी को चेक कर लीजिएगा फ्यूज़ लगाने के बाद, तो आपको कंफर्मेशन हो जाएगा कि आईजीबीटी शॉर्ट है या नहीं है। क्योंकि कभी कभी होता है ऐसा फ्यूज़ उड़ जाता है कहीं शॉर्ट सर्किट की वजह से, लेकिन 90% जो है आईजीबीटी शॉर्ट होने के कारण ही जो है फ्यूज़ उड़ता है, और फ्यूज़ ऐसे नहीं उड़ता है यहाँ पे। तो ये देखिए मैं इंडक्शन को जो है इसका कोयल वगैरह लगा देता हूँ, लगा करके जो है इसको चला करके एक बार देखेंगे, इसको प्लेट वगैरह रख करके। तो देखिए अभी इसमें मैं सप्लाई दे रहा हूँ, और देखिए इंडक्शन जो है डिस्प्ले आ चुका है, ऑन हो चुका है। तो यहाँ पे मैं कोई भी एक बटन को रख कर के चेक कर लेता हूँ, तो थोड़ा सा पानी भी रख लेंगे इसमें यहाँ पे, और जो टेम्परेचर को भी हम लोग जो है एडजस्ट करके भी चेक कर लेंगे। और आईजीबीटी लगाने के बाद कभी भी जो है आप थोड़ा सा लोड दे करके ही चेक करना है यहाँ पे, और टेम्परेचर को जो है वोल्टेज को थोड़ा सा बढ़ा करके चेक करना है, और ताकि आपको पता चल सके आईजीबीटी जो है आपने जो लगाया है वो लोड ले पा रहा है नहीं या नहीं, तो इससे कंफर्म हो जाएगा। अगर आईजीबीटी लोड नहीं ले पा रहा है तो जैसे ही आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, वोल्टेज को बढ़ाएंगे यहाँ पे, तो आईजीबीटी जो है तुरंत ही जो है फिर से उड़ जाएगा। तो ये देखिए मैं फंक्शन को प्रेस करके इसका जो वोल्टेज है इसको बड़ा घटा रहा हूँ, तो सभी में जो है बारी बारी से एक बार चेक कर लेंगे ताकि कंफर्म हो जाए आईजीबीटी जो है बढ़िया चल रहा है यहाँ पे। तो देखिए इसका हाईएस्ट 1500 है, तो 1500 में भी अपना आईजीबीटी जो है सही तरह से लोड ले रहा है। तो यहाँ पे जो आईजीबीटी हम लोगों ने लगाया 25 नंबर का अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। तो आईजीबीटी आप कौन सा लगाएंगे अगर नहीं मिल रहा है सेम नंबर का, तो अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा, या तो आप मेरा चैनल में भी सर्च कर सकती हो। धन्यवाद।